सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्तान मेरे बाबा के कातिल नहीं हो सकते, ये किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकते। महमूद पाशा आ गए, उन्हें मालूम हुआ कि मैं उन्हें जानती हूँ तो मुझ पर हमला कर दिया। उमर ने सारा को हिरम के हवाले कर दिया था, लेकिन हिरम ने उमर की माँ आसिया खातून को जान से मार दिया। आखिर अब मेरा क्या होगा? तुम उसी के घर में ज्यादा महफूज हो जिससे खौफ ज़दा हो, यानी महमूद पाशा के घर में। मुझे मुलाकात के लिए किस हैसियत से दावत दी गई है? उस्मानी सल्तनत के बरतानवी गवर्नर की हैसियत से, लेकिन आप खुद को सुल्तान भी कह सकते हैं। अपने भाई को फौरन हाजिर कीजिए, हम उन्हें अदालत में पेश करेंगे। जी ठीक है मेरी सुल्ताना। शहजादे अब्दुल कादिर ने सारा हिदायत के महल से निकलने से पहले आसन से मुलाकात करवाई थी। दरवाजे से नहीं जाएंगे हम। तो कैसे जाएंगे फिर? सुरंग के जरिए जाएंगे। आ जाइए। हमारे दादा फातेह सुल्तान मेहमत खान हजरत जब कमसिन थे, तकरीबन आपकी उम्र के, वो उस वक्त सिर्फ मेहमत थे। उनसे गलती सरजद हो गई। उनके बाबा सुल्तान मुराद खान को जब मालूम हुआ, उन्होंने कहा कि यह लड़का कभी कुछ नहीं कर सकता। जब यह बात शमसुद्दीन हजरत तक पहुंची तो उन्होंने फरमाया कि किस्मत तो सुल्तान के बिल्कुल बरक्स बयान कर रही है। वक्त आने पर साबित हो गया कि शमसुद्दीन हजरत बिल्कुल ठीक थे। किस्मत हमारे दादा को नेक रास्ते पर ले आई। उन्होंने खुद को एक अजीम फातेह साबित कर दिया। अगर हम ये कहें कि आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, तो क्या किस्मत गलत साबित करेगी? हम शर्मिंदा हैं कि हमने आपको परेशान किया बाबा जान। मसला हमें परेशान करने का नहीं, सारा और आसन की मुलाकात क्यों कराई आपने? क्या इस मुलाकात के नतीजे का अंदाजा है आपको? सुल्तान मासम, हमें इसका अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। अंदाजा नहीं था आपको? उस लड़की को माजी याद नहीं और आपको किसी बात का अंदाजा नहीं। अगर सारा ने उसको माजी याद दिला दिया तो नतीजे कितने खौफनाक हो सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? सुल्तान मौसम, जवाब दीजिए हमें। मेरे सुल्तान, आसन अपने बाबा का कातिल समझती है आपको। आपने बताया उसे?
नहीं, लेकिन शायद उन्हें याद आया है कुछ। हमने उनसे कहा कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, आप किसी बेगुनाह की जान ले ही नहीं सकते। हमने इसीलिए आसन को सारा से मिलवाया ताकि वो हकीकत जान सके। सुल्तान मौसम, महल की तलाशी ले ली गई है लेकिन आसन नहीं मिली सिपाहियों को। क्या आप जानते हैं कि वो कहां है? जब हमारी उम्र आप जितनी थी शहजादे, हमें ऐसे मामलात से कोई गर्ज नहीं थी। हम तिजारत में मसरूफ रहते, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखते, आलमी सियासत का मुताला करते रहते, मगर आप इन मामलात में पड़े हुए हैं और इनमें भी नाकाम है। तहसीन पाशा, वो 30 साल पुराना राज एक बार फिर खो गया। जो राज हमें वेटिकन में हमारे जासूस तक पहुंचा सकता था, हमने खो दिया। कहवा काफी उम्दा बना हुआ है, तबीयत खुशगवार कर दी इसने। इस मुलाकात का सबब क्या है पाशा? आपसे मुलाकात ही सबसे बड़ा एजाज है मेरे लिए पाशा, लेकिन उस्मानी बैंक के मैनेजर की अचानक मौत की वजह से बहुत दुख हुआ है मुझे। तकदीर इलाही पाशा, अजल किसी को भी मौका नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। अलबत्ता रियासती उमूर तो चलते ही रहते हैं। इसके लिए कुछ किया पाशा? मुतवफा की जगह कोई और मुनासिब मैनेजर तैनात किया है या नहीं? बहुत सी जहीन और काबिल शख्सियात है मेरे जहन में इस मनसब के लिए, लेकिन फैसला तो सुल्तान करेंगे। कुछ तो ख्याल करें जनाब, हम हर काम का बोझ सुल्तान पर नहीं डाल सकते। वो सल्तनत के सरदार है महमूद पाशा, सर रास्ता दिखाता है और पांव साथ चलते हैं। आप इस रियासत के वजीर आला हैं, कोई मामूली कठपुतली तो नहीं है? अल्लाह ना करे, मेरी अपनी सलाहियतें हैं और इसके साथ मखसूस फराइज है, लेकिन मेरा रियासती उमूर का तजर्बा साबित करता है कि जिस गोदाम के दरवाजे ज्यादा होते हैं तो चूहे भी ज्यादा होते हैं। चूहों की फिक्र को छोड़ दें, बस एक मैनेजर तैनात करें। आप तो एक बहुत ही खास वजीर हैं ना? एक बैंक में सिर्फ एक ही मैनेजर होता है, दो नहीं, हर काम के मखसूस लोग हैं। सुल्तान अगर सल्तनत के सरबराह हैं तो हमारे इसमें कोई दखल नहीं। पाशा,
हमारे सुल्तान के पास और भी बहुत से काम हैं, आपको उनका हाथ बटाना चाहिए। क्या उनका बोझ कम नहीं करेंगे? बैंक मैनेजर के ओहदे के लिए एक ऐसा काबिल उम्मीदवार है कि मेरे मशकूर रहेंगे आप, वो ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा। उसका नाम है सरफ ओलू हसन। उसने अपनी तालीम बरतानिया और फ्रांस में मुकम्मल की है और बहुत बासलाहियत शख्स है। कुछ सुना सा लगता है ये नाम। आप जानते हैं उसे। उसने बहुत ही छोटी सी रकम से सूद का कारोबार शुरू किया था और बहुत कम वक्त में उसने काफी ज्यादा कमाया। मतलब ये कि वो एक काबिल शख्स है। सही, लेकिन मैं, मतलब आपने भी उसकी कुछ रकम अदा करनी है जिसकी अदायगी के लिए आप परेशान हैं। जानता हूं पाशा, जानता हूं, मालूम है मुझे। लेकिन आप फिक्र न करें, उसका भी कोई हल निकाल लेंगे। किसी सूदखोर को बैंक मैनेजर मुकर्रर करना गुनाह है पाशा। लेकिन इस मामले में मेरी समझबूझ तो कुछ और ही कहती है पाशा। मैं समझता हूं वो शख्स काफी माहिर है इक्तसादियात का। इससे हमारे बैंक को बहुत फायदा होगा और वो आपका कर्ज भी माफ कर देगा। मुमकिन है, लेकिन कर्ज तो कर्ज है। ये बहुत ही बड़ा गुनाह है पाशा, इसका बोझ नहीं उठा सकता मैं। लेकिन पाशा, मेरी राय इस मामले में कुछ अलग है और आपसे मुख्तलिफ भी। आप उस शख्स को रकम अदा न करें। उस्मानी रियासत में यतीम, खस्ता हाल, गरीब गुरबा बहुत हैं। आप ये रकम उन्हें दे दीजिएगा और ये तो और भी ज्यादा सवाब का काम होगा। इस बारे में सोचिएगा जरूर। शहजादे, मेरा पीछा मत कीजिएगा, आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती। खुद वापस आ जाऊंगी मैं। आसन, आसन। अल-फातिहा। आमीन।
वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, उस सालिम से बदला लेने तक मैं आपकी कब्र पर नहीं आऊंगा। आ जाएं। शहजादे कहां से आ रहे हैं? दिन के वक्त भी सुरंगों के रास्ते आने जाने लगे हैं। क्या सुल्ताने मुअज्जम ने बाहर आने जाने पे पाबंदी लगा दी है? कैसी बातें कर रहे हैं आप सबातीन, वो ऐसा क्यों करेंगे? कोई आवाज सुनी थी हमने। मेरे शहजादे गुस्सा मत करें, आपको सुरंग के पास देखा था इसलिए पूछ लिया बस। इस सुरंग के बारे में आपके अलावा और कोई नहीं जानता सबातीन। और याद है ना आपके बाबा के साथ हम गोदाम वाली सुरंग से आए थे, लेकिन इस नई सुरंग का तो उनको भी नहीं मालूम। अगर इस रास्ते का किसी को इल्म हुआ तो वो आपसे होगा। शहजादे आज तक कोई रास वाश नहीं किया मैंने। अच्छा बताएं आप यहां कैसे? क्यों ना पहले बैठ जाएं हम। एक बहुत शानदार खबर है। क्या है वो शानदार खबर? मैं तिजारत शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहता था। किस किस्म की तिजारत? एक ताजिर इस्तांबुल में बड़ी मिकदार में कपड़ा लाया था, हिंदुस्तानी कपड़ा, लेकिन बेचारे के पास रकम खत्म हो गई इसलिए सामान उतार नहीं सका। जहाज आज रात लंगर उठाएगा, वो कपड़ा सस्ता बेच रहा है। बयाना दे दिया है मैंने और उससे यह भी कह दिया है इस बारे में किसी को ना बताए, कपड़ा मैं ही खरीदूंगा। बहुत अच्छा किया आपने सबाती, यकीनन ये बहुत मुनाफा बख्श होगा। लेकिन मैंने सिर्फ आधा माल ही खरीदा है, सरमाया नहीं है मेरे पास। अगर आप चाहें तो हम दोनों शराकतदार बन सकते हैं, मिलकर तिजारत करेंगे। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आज ही हमें बहुत डांटा है बाबा ने। क्यों डांटा बताएं? हम कोई काम सही से नहीं कर सकते। कहा जब वो शहजादे थे तिजारत किया करते थे, शिकार किया करते थे, मसरूफ रहते थे, और भी बहुत सी नसीहतें की। फिक्र मत करें आप, कपड़े की तिजारत हमारे लिए बहुत मुनाफा बख्श साबित होगी। आप देखिएगा 10 गुना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। लिख लें आज से तिजारत का नया बादशाह पैदा हुआ है। तो क्या ये वाकई इतना मुनाफा बख्श है? जितना मैंने कहा है उससे कहीं ज्यादा शहजादे, मुझ पर यकीन रखें आप। ठीक है, कितनी रकम चाहिए? वो बाकी का कपड़ा 40,000 सिक्कों में दे देगा। सबाती इतनी रकम नहीं है हमारे पास। क्या कर सकते हैं, लेकिन वालिदा से ले लेंगे हम, दे देंगी वो। आला। सुल्तान मुअज्जम, आपके सिपाही सही सलामत वापस आ गए हैं। जो फर्ज सौंपा गया था वो मुकम्मल हो गया है। माशाल्लाह, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। उन बेकसूर यहूदियों की जान बचाने का सिला कयामत के रोज इंशाल्लाह आप दोनों को जरूर मिलेगा। सुल्तान मौसम, अगर आपकी फरासत शामिल नहीं होती तो ना ही हमें उन यहूदियों की खबर होती और ना ही हम उन्हें बचा पाते। मेरे सुल्तान, जिन यहूदियों को हमने बचाया था उनमें से एक बहुत जयीफ आदमी भी था। कोई भी बाशऊर इंसान अगर उस आदमी की बातें सुन ले तो उस्मानियों की इज्जत का हक अदा करेगा। क्या कहा उसने? अंग्रेज सहाफी वहां खबर हासिल करने आए थे, यहूदियों को जिंदा देखा तो वह हैरान रह गए। उस जयीफ आदमी ने उनसे यह कहा कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मौत के अलावा भी किसी ने उन्हें दूसरा रास्ता दिखाया। फर्जन, जब तक हमारी हयात बाकी है हर मिल्लत और दीन के मजलूमों की दादरसी करते रहेंगे इंशाल्लाह, और जालिमों से हिसाब भी जरूर लेंगे। हमारा वादा है,
जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे इंशाल्लाह। सुना है कोई तोहफा लाए हैं आप? सही सुना है मेरे सुल्तान, एक अंग्रेज जासूस पकड़ कर लाए हैं। आफरीन, तो फिर उससे हिसाब लेने का वक्त हो गया। प्यारों के दोस्त, लाचारों के मददगार, फकीरों के लिए सरबत, ज़ईफ़ों की क़ुव्वत, गरीबों के मर जाए शिकायत, मेरे अल्लाह सुल्तान का बोझ कम फरमा दे। आपने कुछ कहा तहसीन पाशा? नहीं मेरे सुल्तान, नहीं। सेनिहा, सेनिहा, ऐसा शाहाना हुस्न तो मगरिबी दुनिया में भी मिलना मुमकिन नहीं है। सेनिहा, आप एक शानदार मलिका के किसी बेऐब मुजस्मे की तरह हैं। हम उन लोगों में से हरगिज नहीं हैं जिन्हें मगरिब के साथ मवाजने पर खुशी होती है शुक्रिया अल्लाह का। आपको अब तक ये भी नहीं मालूम? बेगम, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो उनसे इतनी नफरत है? मगरिबी खित्ता तहजीब और शाइस्तगी का मरकज है। हमें मगरिब से नफरत नहीं है, उनसे नफरत है जो उनकी नकाली करते हुए अपनी पहचान खो देते हैं। इंसान शख्सियत को, अखलाक को और इज्जत नफ्स को दूसरों की तकलीद करके महफूज नहीं रख सकता। महमूद पाशा, अल्लाह हाफिज। सेनिहा सुल्तान, कहाँ जा रही हैं? वालिदा सुल्तान महल तशरीफ लाई हुई हैं उनसे मिलने। आह, वालिदा सुल्तान, वालिदा सुल्तान बहुत ताकतवर हैं। मुझे यकीन है कि महल का निजाम बदल देंगी। दुरुस्त कहा, जैसे ही तशरीफ लाई बिदार खातून को एक तरफ कर दिया और मकबूला की जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द कर दी। सेनिहा, सेनिहा, वैसे ये वालिदा सुल्तान की मेहरबानी नहीं है, मेरे ख्याल में ये आपकी अपनी फतह है। आप पर जो भी धुन सवार हो जाए वो करके ही रहती हैं आप। जो खबर आपने सुनाई है बहुत ही बड़ी खबर है। महमूद, हम महल जा रहे हैं और हमें हैरत होती है, पाशा होने के बावजूद भी इन बातों के लिए आपके पास इतना वक्त कैसे मयसर आता है? बहुत अफसोस की बात है सेनिहा सुल्तान, अफसोस की बात है। मैं उस्मानी सल्तनत का एक मुअज्जिज पाशा हूँ, इस वक्त कुछ अहम खबरों का मुंतजर हूँ। मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत मुयसर नहीं होती, अफसोस की बात है। समझ सकते हैं पाशा, समझ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। ये औरतें भी ना, वहां क्या है? उल्लू, मुर्दार उल्लू, मुर्दार उल्लू, अब्दुल हमीद, मुर्दार उल्लू।
नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हें इससे क्या? बेकसूर यहूदियों को मारने के अहकामात तुमने किससे लिए थे? खुदावंद से। खुदावंद ने मलिका को हुक्म दिया और मलिका ने हमें। यकीनन समझ गए होगे तुम, हमारी मलिका के सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं अब्दुल हमीद। देख लिया हम कितने मजबूत हैं। एक बंधा हुआ आदमी भी तुम्हें डराने की सलाहियत रखता है। तशद्दुद मत करना मुझ पर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अगर मेरा बाल भी बीका हुआ तो तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसलिए डरो हमसे। जिसे अल्लाह का खौफ होता है वो बंदों से नहीं डरता। मगर हमसे डरना चाहिए तुम्हें, क्योंकि हम तुम्हारे जैसे बंदे नहीं हैं। हाँ अभी तुम सुल्तान हो यहां के, लेकिन जब यहां हमारा कब्जा हो जाएगा तो तुम्हारे ये पाशा हमारी मलिका के आगे दुम हिलाते फिरेंगे और तुम्हारी जगह यहां कोई अंग्रेज हुक्मरान होगा। तुम इतनी अकड़ किस बल पर दिखा रहे हो? मेरी हुकूमत मुझे बचाने के लिए अब तक किसी को मुकर्रर कर चुकी होगी। मैं बहुत जल्द अपने वतन चला जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। जाओगे, जरूर जाओगे, लेकिन हमारी रियासत के जंगलात की लकड़ी के बने ताबूत में बंद होकर जाओगे तुम। वालिदा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। बिल्कुल शहजादे, और आते ही हमें कटहरे में खड़ा कर दिया। आपके मामू की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा हमें। तशरीफ रखिए। वालिदा, हमारी नीयत तो मामू को बचाने की थी। आपको मालूम है कोई गलत इरादा नहीं था। हम और क्या करते, और कुछ नहीं आया समझ में हमारी। शहजादे, हमारी हर कोशिश हमारे लिए ही मुसीबत बन जाती है। आइंदा हम जो भी कदम उठाएंगे पहले उसके पहलुओं पे मुशावरत करेंगे, खासकर कोई ऐसा फैसला जो किसी और की जिंदगी से ताल्लुक रखता हो। ठीक है वालिदा, फिक्र मत करें आप। आपसे बस हमारी एक ही दरख्वास्त है अब्दुल कादिर, आप अपने मामू मेहमत पाशा को खत लिखिए और उनसे कहिए कि फौरन महल वापस आ जाएं। मामू कहां है इस वक्त? उन्हें जर्मन सफीर के घर में होना चाहिए। इस बारे में आपको हमसे ज्यादा मालूम होगा। आपको याद है ना कि आपने अपने शानदार मंसूबे की वजह से उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। इतनी जल्दी भूल गए आप? हमारी तरफ देखिए शहजादे, हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को बार बार ना दोहराएं। खत लिखिए और कहिए कि वालिदा सुल्तान का फरमान हमें हर हाल में मानना पड़ेगा और इसके बाद सुल्तान जो हुक्म देंगे वो भी उन्हें तस्लीम करना होगा। वालिदा, हमारी भी आपसे एक दरख्वास्त है। कहिए शहजादे। सुल्तान मौसम ने हमें एक नसीहत की है। जब वो शहजादे थे तो तब वो तिजारत किया करते थे, हम भी तिजारत करना चाहते हैं अब। बहुत अच्छा ख्याल है ये तो, लेकिन हमारे पास इतना सरमाया नहीं। वालिदा, क्या हमें आप कुछ रकम दे सकती हैं? एक अच्छे काम के लिए हम आपको कभी भी इनकार नहीं करेंगे शहजादे। हमने थोड़ी थोड़ी करके ये रकम जमा की है। खुश रहिए, इक्तिसादी और तिजारती मामलात में तजुर्बा हासिल करना बहुत जरूरी है। दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे शहजादे। अगर इस तिजारत में मुनाफा कमाते हैं
तो सुल्तान मौसम खुश होंगे। फर्जंद, ये बात जरूरी नहीं है कि तिजारत में नफा होता है या नुकसान। अहम यह है कि आप उसूली तिजारत करें। अगर आपने इस्तेकामत से काम लिया तो सुल्तान यकीनन खुश होंगे। डरिएगा मत हाजरीन। उल्लू, एक मुर्दार उल्लू, अलबत्ता ये उल्लू आप लोगों को उसी वक्त परेशान करेगा जिस वक्त मैं चाहूंगा कि ये आपको परेशान करे। हजरात, ये उल्लू खुशकिस्मत है क्योंकि इसके पास सोने के लिए ये डब्बा है, जबकि अब्दुल हमीद जब मरेगा यकीनन उसे कब्र भी नसीब नहीं होगी। जी हाँ, तारुफ की इजाजत चाहूंगा। ये हैं शीरी मिजाज वाले महमूद पाशा, हिंदुस्तान से महाराजा मदन, हांगकांग के मेयर बाओ हू, जनूबी अफ्रीका के मेयर मिस्टर जॉनसन, और ये महमूद पाशा मिस्र के जिम्मेदार। महमूद पाशा को मैं जानता हूं, कुछ अरसा पहले तक ये पाया तख्त के मातहत थे और अब मैं इन्हें एक आजाद मिस्र में देख रहा हूं। महमूद पाशा, आप देख रहे हैं कुछ ममालिक में हमने मकामी रहनुमाओं को, जबकि कुछ ममालिक में हमने इन बासलाहियत अफराद को बतौर सफीर तैनात किया। लंदन में दुनिया के आलमी निजाम के हुक्मरान अकेली मलिका नहीं होंगी बल्कि शराकतदार और सरमायादार भी होंगे। मालो दौलत का कोई वतन नहीं। हमें उम्मीद है कि यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा महमूद पाशा। कुछ मुश्किल नहीं होगा। अब्दुल हमीद को पिंजरे में कैद कर लें, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह इतना आसान नहीं महमूद पाशा। यह सिर्फ अब्दुल हमीद की बात नहीं बल्कि पूरी मिल्लत की बात है। एक बरतानवी वजीर आजम ने कहा था, उस्मानियों को गिराना है तो सबसे पहले कुरान से उनको दूर करना होगा, तभी आप अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। यहां मैं दीन पर बहस करने नहीं आया। हम सिर्फ एक आजाद और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अपना मजहब किसी हाल में तब्दील नहीं कर सकते। मैं आपको हरगिज मजहब तब्दील करने के लिए नहीं कह रहा महमूद पाशा, बल्कि यह कह रहा हूं कि इक्तसादी मामलात में आपको हमारे अहकामात की तामील करनी होगी। महाराजा मदन ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए बहुत तकलीफें उठाई। वहां हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के लिए पहले बर्तानिया से अपने कायदीन भेजे हमने, लेकिन जब मकामी लोगों ने मुखालफत की तो हमने 200 काबिल तरीन तोलबा को मुंतखिब किया, जो कि हिंदुस्तान की मशहूर तरीन दरसगाह के तालबे इल्म थे। वो नजर तो हिंदुस्तानी आते थे लेकिन बाद में उन्होंने बरतानवी सकाफत अपना ली और अब वो हिंदुस्तान की मईशत पर, तालीम पर और फौज पर हुकूमत कर रहे हैं। जनाब हर्बर्ट, ये हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बहुत से कारिंदे मौजूद हैं। आप बरतानिया की इजाजत से यहां का निजाम मेरे हवाले कर दें, इस्तांबुल की हुकूमत। आप मुझे हिदायत देते रहिएगा। अगर ये कौम आजादी हासिल कर सकती है तो ये सिर्फ आप ही की मदद से मुमकिन है। जनाब पारवुस ने आपका हवाला दिया था, उनकी तजवीज थी कि आपको इस मुशावरत में जरूर मदऊ किया जाए। हम इस बात का एतराफ करते हैं कि
आप एक आजाद ख्याल पाशा हैं और हम हमारे शाही खानदान से आपकी वफादारी के भी मोतरिफ हैं। महमूद पाशा, आज अब्दुल हमीद की सल्तनत अपने इख्तिताम को पहुंची। तारीख शायद आपको याद ना रखे, लेकिन हम आपकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं करेंगे। महमूद पाशा, मैं मलिकाए बरतानिया के दिए हुए इख्तियारात के तहत आपको उस्मानिया रियासत का कमिश्नर मुकर्रर करता हूं। कमिश्नर नहीं जनाब हर्बर्ट, उस्मानी बादशाह। बादशाह, सरमाया तैयार है। हमारी ईमानदारी असल सरमाया होगी, ना कि यह दौलत शहजादे। ऐसे ही होना चाहिए सबातीन। क्या उस शख्स से बात कर लिया आपने? वो इतनी कम कीमत पर सौदे के लिए राजी है? बिल्कुल की है बात, यह बहुत बेहतरीन सौदा है। माल और मालिक दोनों की छानबीन की है। फिक्र मत करें, ठीक है सब। बहुत खूब, हमारे माल खरीदने से उस ताजिर की जिंदगी बच जाएगी, वरना वो बेचारा तो दिवालिया हो जाएगा। मतलब एक तीर से दो शिकार, हमारी तिजारत और उसकी सहूलत। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जब कोई तिजारत करता है तो एक मुआहिदा तहरीर किया जाता है। ये क्या है? कपड़े की खरीदारी की रसीद है। इस पर दस्तखत कर दें आप, आपके मोहर लगाते ही ये माल हमारा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। आला, जनाब हर्जल ने फलस्तीन में एक चाल चली मगर नाकाम रहे वो। जनाब हर्जल को मैंने अब्दुल हमीद के जासूसों से मोहतात रहने की तंबीह की थी, यहां तक कि मेयर भी हूं तो वो भी अब्दुल हमीद के जासूस हो सकते हैं। ये लोग पहले भी कई बार आजमाए जा चुके हैं महमूद पाशा, आपकी तरह अगर जरा सा भी गद्दारी का शक हुआ हमें या फिर ये पता चला कि वो किसी और के साथ मिले हुए हैं तो वो उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। पाशा, आप पाए तख्त में मजीद कितने दिन रहेंगे? सुल्तान के पास हमारा एक जासूस कैद है जिसे फौरन छुड़वाना होगा। हमें फलस्तीन की कार्रवाई में पकड़ा गया है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, आपको इस मामले से दूर रखेंगे हम। आप अपने फराइज पूरे करें, बस काफी है। सारा, मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो मेहरबानी करके जरा वजाहत करो। कौन सी वजाहत? पाए तख्त को अच्छी तरह देखो, यहाँ छोटे बड़े सब लोग खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, औरतें काले नकाबों के पीछे छुपी हुई हैं। अब्दुल हमीद एक आसमानी बिजली की तरह कड़क रहा है। वो दरख्तों, फूलों और लोगों की उम्मीदों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सबको कुचल देना चाहता है। मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, लेकिन किसी भी तरीके से मलिक को महल से निकालना होगा हमें।
हमारी खुशकिस्मती है कि मलिके महल में है। वो अपना फर्ज पूरा किए बगैर महल से बाहर नहीं निकल सकती। कैसा फर्ज? मलिके की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बाबा का इंतकाम लिए बगैर उसे सुकून नहीं मिलेगा। सारा दिमाग तो ठीक है, मलिके इतने बड़े महल में तारीख के सफाक तरीन सुल्तान का क्या बिगाड़ सकती है? हर लम्हा उसकी जिंदगी खतरे में है। फिक्र मत करो, मलिके सुल्तान का इत्माद हासिल कर चुकी है। आ जाओ। मलिके, मेरी जान, शुक्र है वापस आ गए तुम। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मलिके, तुम ठीक हो ना? ठीक मेरे भाई, माजी बन चुका है ये लफ्ज, अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। आगे क्या करना है हमें? हिरम को तलाश करेंगे हम। कैसे? पहले भी पाशा का पीछा किया तो हिरम सामने आ गया। या तो महमूद पाशा को मालूम है कि हिरम कहां है, या ये कि उसे कहां ढूंढा जा सकता है वही बताएगा हमें। दुरुस्त कहा, लेकिन वो एक उस्मानी पाशा है। उसे कोई तकलीफ नहीं देंगे हम, बस कुछ सवालात पूछेंगे। शहजादा अब्दुल कादिर ने अपने दस्तखत कर दिए हैं, अब वो आपका शराकतदार है। मेरे सुल्तान महमूद पाशा उस बरतानवी सफीर से आशना है क्या? जरूर आशना होगा पाशा, जरूर होगा। और ये दरमियान में कौन है? सुल्तान ने जिस जासूस को फलस्तीन भेजा था वो है ये। सच कह रहे हो तुम? क्या उस रात शहजादा अब्दुल कादिर के साथ महल में आप दाखिल हुए थे? जी सुल्तान मौसम।